साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरे सामने ये पेशे से बाइंडर हैं, नखास चौराहे पे इनकी दुकान है। आज जैसे ही बारिश हुआ, एक पेड़ इनके दरवाजे पर देखने को मिला और यह पेड़ लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। जिस प्रकार से 43 डिग्री गर्मी पड़ी है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस आपदा से ग्रसित था, यानी झेल रहा था, उससे बचाव की तैयारी में। क्या नाम है सर आपका? आजम। आजम जी, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये चीकू का पेड़ है। चीकू तो पहाड़ों में पैदा होता है। नहीं, ये अभी इसकी फसल यहाँ भी आ गई। अच्छा, इसको कहाँ लगाएंगे, ले जा रहे हैं लगाने के लिए? ये हमारे घर पे लगेगा। जगह है इसके लिए, अलग से हमने इंतजाम किया हुआ है। कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये? लगभग 6 महीने। 6 महीने में सारे पेड़ लगाए। अच्छा, कितने पेड़ होंगे आपके पास? 50 पेड़ होंगे कम से कम। पर्यावरण मित्र के रूप में लगातार आप देख पा रहे हैं कि आज दुकान पे ले आए हैं, और जैसे ही नज़र पड़ी मैंने कोशिश किया कि इनसे बात करें, और जो इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि यह पेड़ की रक्षा होती रहेगी। जी। मैं घर आऊँगा देखने। सारे मटेरियल भी आते हैं इसके, ऑनलाइन मंगवाता हूँ। ये ऑनलाइन आया है? हाँ, कि पेड़ ख़राब ना हो। कहाँ से मंगाएं इसको? इसके लिए खाद वगैरह सब चीज़ बाहर से मंगवाएं। ये कहाँ से मंगाएं इस पेड़ को? ये बैंक रोड से लाए हैं, और ऑनलाइन अमेजान इत्यादि से जो भी खाद इत्यादि होती है मंगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आजम भाई, गोरखपुर समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण में आपने अपना कदम बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।